हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशनों को इनवाइट किया जा रहा है और इन एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं 27/11/2017 तक। और बात करते हैं दोस्तों, जो इसका पेपर होगा सेट का, वो अगले साल फरवरी और मार्च 2018 में होगा, संडे के दिन। और जो एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं वो 22 सब्जेक्ट्स के लिए की जा रही हैं। और देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे। देखिए, इसमें बताया जा रहा है शिमला, सोलन, मंडी, सुंदरनगर, धर्मशाला, पालमपुर और कांगड़ा में। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे। और देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। और ये सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आपको बताई जा रही है जिनके रिगार्डिंग जो है एप्लीकेशन को इनवाइट किया जा रहा है। ये सब्जेक्ट हैं, 22 सब्जेक्ट इसमें बताए जा रहे हैं पूरे, और इनको देख के ही आप प्लीज़ इन अपनी एप्लीकेशन को भरिएगा। और ये टर्म एंड कंडीशंस हैं कि आपको बताया जा रहा है इसमें कि आपकी परसेंटेज जो मास्टर डिग्री में वो कितनी होनी चाहिए, जनरल के लिए कितनी है और SC ST OBC के लिए। कैटेगरी वाइज इसमें आपको सब बताया जा रहा है जो कंडीशंस हैं, इनको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जिसमें से आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। और इस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद ही प्लीज़ आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन को फिल कीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो पेपर होगा, देखिए इसमें जो फर्स्ट सेशन में आपको दो पेपर और सेकंड सेशन में जो थर्ड पेपर होगा आपका वो बताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों, जो इसका पेमेंट का शेड्यूल रहेगा वो रहेगा जनरल कैटेगरीज़ के लिए देखिए 700, एंड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए HP के हैं जो, उनके लिए 350, SC ST ऑफ HP उनके लिए 175, और PWD जो है कैंडिडेट्स उनके लिए 175। और ये जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं दोस्तों अदर बैकवर्ड क्लासेस ST SC और PWD जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ HP वालों के लिए ही दिया जा रहा है, बाकी के कैंडिडेट्स को नहीं। उनको जो ट्रीट किया जाएगा वो जनरल कैटेगरीज में ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उनको 700 ही जो अमाउंट है वो पे करना होगा। तो बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की, जो पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो e-challan के थ्रू भी हो सकता है और ई पेमेंट के थ्रू भी, यानी कि आप चलान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको इनकी साइट में जाना होगा, जो साइट है HP की, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है www.hp.gov.in/HPPSC। और इसमें जाने के बाद आपको जो है अपनी यूज़र आईडी बनानी होगी। अगर आपकी पहले से है तो आपको अपने यूज़र आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के ये एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी जो लॉगिन आईडी बनानी होगी और उसके बाद ही वो इसको फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ और कंडीशंस हैं कि आप कैसे इसको फिल कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है। देखिए, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसके बाद वो भी आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है लिंक दे दूँगा एडवर्टीजमेंट की, आप प्लीज़ इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप साइट पे जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।